दोस्तों YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसे अपडेट करता है जिससे क्रिएटर बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ऐसे अपडेट करता है जिससे क्रिएटर की नीनी हराम हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे अपडेट आए YouTube की तरफ से जिसका चैनल मोनेटाइज है उसके लिए भी, और जिसका चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ उसके लिए भी। जो मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है, रूल्स चेंज हो के वो भी मैं आपको बताऊंगा वो रूल्स कैसे है। तो देखो, जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाता है फिर हम एडसन बनाते हैं और हमारा YouTube का जो भी रेवेन्यू होता है वो एडसन में ऐड होता है, उसके बाद हमारे वो बैंक में आता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे चैनल पर ऐसी गलती होती है जैसे कि रीयूज कंटेंट होते हैं जिसकी वजह से YouTube जो होता है हमारा एडसन को सस्पेंड कर देता है, ठीक है ना। तो जब हमारा एडसन सस्पेंड कर देता है तो हमें अपील करने के लिए वापस हमें 30 डेज का टाइम मिलता है। आज भी वो रूल सेम है, 30 डेज का हमें टाइम मिलेगा वापस अपील करने के लिए। लेकिन मान लो अगर हम अपील करते हैं और हमारा फिर से रिजेक्ट हो जाता है तो हमें सिर्फ 90 डेज वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले कैसा था, जैसे आज अपील किया 30 डेज के बाद फिर हमें रिजेक्ट करता YouTube तो हमें फिर से 30 डेज का टाइम मिलता था वापस रीअपील करने के लिए, ठीक है। हमारे चैनल को चेक करके जो भी रिव्यूज कंटेंट डिलीट करके हम वापस 30 डेज का टाइम मिलेगा। लेकिन अभी 30 डेज का टाइम नहीं मिलेगा, सीधा 90 डेज का टाइम मिलेगा। नहीं, क्रिएटर को 90 डेज वेट करना पड़ेगा दोबारा अपील करने के लिए। तो ये बहुत ही बुरा अपडेट है, क्योंकि देखो एक महीना क्रिएटर से वेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है चैनल मोनेटाइज होने के बाद, तो 90 डेज वेट करना बोले तो बहुत ही बुरा है, क्योंकि जो भी रेवेन्यू और लॉस हो जाएगा, जितना भी चैनल पे जितनी ऐड आती रहेगी वो हमारा लॉस होते जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ये क्रिएटर के लिए बहुत ही मुश्किल है जिसका चैनल मोनेटाइज हुआ, उसके लिए बहुत ही बुरा अपडेट है। और जिसका चैनल मोनेटाइज है अगर उसका यूट्यूब सस्पेंड कर देता है एडसन, तो क्या होता है हमारा जो ज्वाइनिंग बटन होता है ना वो भी डिसेबल हो जाता है, ठीक है ना। तो वापस उसे इनेबल करने के लिए हमें 90 डेज का वेट करना पड़ता है, मतलब हर क्रिएटर को 90 डेज वेट करना पड़ेगा वापस से, मतलब वो इनेबल करने के लिए ज्वाइनिंग बटन का मेंबरशिप का, ठीक है। लेकिन अब यूट्यूब ने उसे चेंज कर दिया, अब उसे हमें 120 डेज वेट करना पड़ेगा ना, 120 दिन यानी 4 महीने वेट करना पड़ेगा वापस हमारा ज्वाइनिंग बटन इनेबल करने के लिए, मेंबरशिप का जो बटन होता है उसे इनेबल करने के लिए 120 दिन इंतजार करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बुरा अपडेट है जिसका चैनल मोनेटाइज, उसके लिए तो बहुत घटिया अपडेट है। अब बात करते हैं जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, जब हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होता है तो हम चैनल को अंडर रिव्यू में भेजते हैं, मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हैं, यूट्यूब की टीम उसे रिव्यू करती है, और जब उसे रिजेक्ट करती है तो क्रिएटर का मतलब एकदम से मायूस हो जाता है कि इतने मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम कंप्लीट किया उसके बाद मोनेटाइज में जब रिजेक्ट हो जाता है तो बहुत ही दुख होता है। तो देखो, उसके बाद हमें 30 डेज का टाइम मिलता है, आज भी रूल सेम है, 30 डेज का हमें टाइम मिलेगा अगर हमारे चैनल रिजेक्ट हो जाता है अंडर रिव्यू में, तो 30 डेज का टाइम मिलेगा हम उसे वापस अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइज के लिए अपने चैनल को चेक करके। लेकिन अब 30 डेज के बाद जब हम अप्लाई करेंगे फिर भी टीम यूट्यूब की टीम उसे रिजेक्ट करती है तो हमें 90 डेज वेट करना पड़ेगा। यानी एक नया क्रिएटर को इतना मुश्किल से ज्यादा सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का जो वॉच टाइम कंप्लीट करता है उसके बाद अगर चैनल उसका रिजेक्ट हो जाता है अंडर रिव्यू में, फिर दोबारा अप्लाई करता है फिर दोबारा भी रिजेक्ट होगा, तो 90 डेज वेट करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही बुरा है न्यू क्रिएटर के लिए, और हर क्रिएटर के लिए जो अपडेट आया बहुत ही बुरा है मोनेटाइज का। जिसका चैनल मोनेटाइज है उसके लिए भी अपडेट बहुत ही बुरा है, और जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ उसके लिए भी अपडेट बहुत ही बुरा है। तो इसी मैंने कहा ना कि जब यूट्यूब कुछ ऐसे अपडेट करता है जिससे क्रिएटर बहुत खुश हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे अपडेट करता है जिससे क्रिएटर की नीनी हराम हो जाती है। तो ये बहुत ही बुरा अपडेट है, आपको कैसा लगा अपडेट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।